दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है यूनिक इन्फॉर्मेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आपके सबके घर में फ्रिज तो होगा ही। दोस्तों, 99% लोगों को फ्रिज के बारे में मालूम नहीं होती है वो चीज़ें जो मालूम होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं होता है कि फ्रिज में जो हम चीज़ें रखते हैं वो किस प्रकार रखें। उसी के साथ फ्रिज का मेंटेनेंस कम करने के लिए, फ्रिज की लाइफ बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए वो भी मालूम नहीं होता है। फ्रिज को किस तरह से साफ करें, किस चीज़ों का इस्तेमाल करें वो भी मालूम नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का फ्रिज का बैड स्मेल आता है, तो वो कम करने के लिए क्या करना चाहिए वो भी मालूम नहीं है। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ध्यान में रखना चाहिए कि महीने में एक बार फ्रिज की अंदरूनी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अंदरूनी सफाई करने के लिए क्या इस्तेमाल करें? तो इसके लिए आप लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या खाने का जो सोडा रहता है उसका भी इस्तेमाल आप अंदरूनी फ्रिज को साफ़ करने के लिए कर सकते हैं। इससे पूरी तरह से आपका फ्रिज डिसइंफेक्टेंट होगा और पूरी तरह से ये हाइजीन रहेगा। उसी के साथ जिस जगह पर आपने फ्रिज रखा है वो जगह प्लेन है या नहीं ये भी परखना बहुत ज़रूरी है। यदि फ्रिज अच्छी तरह से लेवल में नहीं बैठा है तो इसका सीधा सीधा असर फ्रिज के कंप्रेसर पर गिरता है और उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो ध्यान में रखें, फ्रिज यदि आप स्टैंड पर रखते हैं या ज़मीन पर रखते हैं वो लेवल होना चाहिए। और ये लेवल चेक करने के लिए आप फ्रिज के अंदर एक गिलास में पानी भर के रख सकते हैं, पूरा गिलास भर के। यदि पानी पूरी तरह से लेवल में है तो आपका फ्रिज लेवल में है, ये आपने समझना है। दूसरी जो बात है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के फ्रिज का बैड स्मेल आता है। फ्रिज खोलने के बाद तुरंत स्मेल आता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बिजली की कटौती, या फ्रिज बार बार बंद रखना, या फ्रिज को साफ़ न करना, ये सभी इसके कारण हो सकते हैं। तो ये जो कारण मैंने बताए हैं वो कारण आप उसका निरसन करें। और फ्रिज को अच्छी स्मेल देने के लिए आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, लेमन का जो आधा कटा हुआ हाफ जो भाग है वो आप 15 दिन के लिए रख सकते हैं आपके फ्रिज में। इससे पूरी तरह से ये बैड स्मेल चली जाती है। फिर अगले दिन दूसरा आधा हाफ कटा हुआ लेमन रखें, ऐसा आप रोज़ाना कर सकते हैं। उसी के साथ बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि फ्रिज में कौन सी चीज़ें रखें और कौन सी ना रखें। तो दोस्तों, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में कभी भी गार्लिक, ओनियन, पोटैटो, टोमेटो, हनी, उसी के साथ ऑलिव ऑयल, ब्रेड्स, बेसिल्स, एवेकाडो, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, इस तरह की चीज़ें ना रखें। ध्यान में रखें, ये सभी चीज़ें ना रखें। उसी के साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गरम गरम चीज़ें जैसे गरम दूध हो उबला हुआ या अन्य कोई चीज़ें हो वो तुरंत फ्रिज के अंदर रख देते हैं। इसके फ्रिज की लाइफ कम हो जाती है। तो ध्यान में रखें, जब भी आप यदि कोई भी चीज़ फ्रिज में रखते हैं तो वो पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर होने के बाद ही फ्रिज में रखें। उसके बाद कुछ लोगों को ये रहता है कि फ्रिज का निकाले निकाले वो खाते हैं, फ्रिज में का जो भी पदार्थ है, चीज़ें हैं वो निकाल के तुरंत खाते हैं। तो ऐसा आप ना करें। फ्रिज में जो चीज़ें आपने रखी है वो बाहर निकालें, उसे 10 या 15 मिनट तक रूम टेम्परेचर से मेंटेन होने दें और उसके बाद उसका सेवन करें। उसके बाद ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत सारे लोगों के फ्रिज में इस तरह से बर्फ़ जमती है। तो ये बर्फ़ जमती है तो इससे फ्रिज के कंप्रेसर पर भी लोड आता है और फ्रिज के कंप्रेसर का अंदर का जो गैस है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो 8-15 दिन में आप क्या करें, फ्रिज के अंदर एक स्विच रहता है डीफ्रॉस्ट करके, तो उसको प्रेस करें और ये जमे हुआ सभी जो आइस है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। इससे आपका फ्रिज पूरी तरह से रिफ्रेश होगा। जैसे हम मोबाइल को रिस्टार्ट करते हैं उसी तरह से फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बिजली भी कम लागत लगती है और फ्रिज पर लोड भी नहीं आता है। उसी के साथ जब हम बाज़ार से सब्जियां लाते हैं तो सब्जियां लाने के बाद उसे हम क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, और उसके बाद बहुत सारे लोग
वो वैसा ही का वैसा ही फ्रिज में रैक में रख देते हैं। तो ऐसा आप ना करें, ये गलती आप ना करें। क्या करें, पॉलीथीन में वो चीज़ें पैक करें और उस फिर वो चीज़ें फ्रिज के अंदर रखें, इससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। जो वेजिटेबल्स हमने लाया है वो पूरी तरह से ज़्यादा दिन तक वो फ्रेश रहता है। आप ज़रूर ये करके देखें, फिर हमको कमेंट्स करके बताएं। उसी के साथ फ्रिज की लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है। तो स्टेबलाइजर का इस्तेमाल आप भी करें, इससे यदि आपके घर में बिजली कम ज़्यादा होती है, वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, या फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है या कम होता है, तो ये स्टेबलाइजर ये जो लाइन को स्टेबलाइज करता है और जितनी आवश्यकता होती है उतना ही सप्लाई फ्रिज को देता है, और इससे बिजली की लागत भी कम हो जाती है, आपका बिजली का बिल भी कम आता है और फ्रिज की जो लाइफ है वो बढ़ती है। ये चीज़ें भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई है। उसी के साथ बहुत सारे घर के बच्चे हैं वो डोर खुला ही रख देते हैं, बहुत सारे बार अपने भी हाथ से ऐसा होता है। तो कृपया फ्रिज का डोर ना खोले, ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आपको काम है तुरंत काम अटवाइए और फ्रिज का डोर क्लोज कीजिए। यदि आप ज़्यादा देर तक फ्रिज का डोर खुला रखेंगे तो इससे बाहर के जो बैक्टीरिया है या माइक्रोब्स है वो अंदर चले जाते हैं, और इससे अंदर की जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं। ये सभी चीज़ें का आप ध्यान रखें ताकि आपकी फ्रिज की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। जो आप फ्रिज में चीज़ें रखती है उसकी भी फ्रेशनेस बरकरार रहे, और आपको हाइजीन और फ्रेश जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स या अन्य कोई चीज़ें आपने फ्रिज में रखी है वो दीर्घकाल तक ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपको अच्छी लगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये चीज़ें आप ज़रूर आपके घर में आज से ही शुरू करें। दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया।